अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको पता जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स वगैरह निकलते हैं बैंकिंग के, जैसे अभी पंजाब में पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद पीसीएस पीसीएल का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसमें जो आपको पता है कंप्यूटर सेक्शन आता है उसका, जो हम अपने यूट्यूब चैनल पर एक जस्ट ट्यूटोरियल्स लेकर आ रहे हैं, जिस पर जो भी क्वेश्चंस वगैरह आएंगे उसके जो एमसीक्यू सेट है, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर भी आंसर्स अपलोड करूंगा, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज की वीडियो में हमारी फर्स्ट वीडियो है, सेक्शन वन है, तो उसमें आप प्रेपरेशन वगैरह स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपका क्यूरी, ज़्यादा डाउट होता है, वो आप हमें फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ले सकते हैं। और ज़रूर हमें सपोर्ट करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर वीडियोज़ को शेयर करिएगा, बिकॉज ये जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन अपलोड किए हैं, जितने भी आपके पुराने टेस्ट वगैरह हुए, काफ़ी क्वेश्चंस मैंने उन टेस्ट में से लिए हैं। लाइक पटवारी का टेस्ट हुआ था, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ज़्यादा, वो मैं आपको बीच बीच में पॉइंट आउट करता रहूँगा, तो उसको नोट डाउन करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट वन इज क्वेश्चन, डेट वन इज नेम द स्क्रीन डैट रिकोगनाइज टच इनपुट इज, मीन टू से एक ऐसी स्क्रीन जो रिकोगनाइज करती है आपकी टच को, तो उसके लिए कौन सा है, रिकोगनीशन स्क्रीन, पॉइंट स्क्रीन, टच स्क्रीन, एंड्रॉयड स्क्रीन। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्रंट टच स्क्रीन। आपको पता है आजकल हर एक पर्सन के पास टच स्क्रीन है, आप उसको जैसे ही टच करते हैं वो आपके इनपुट को रिकॉग्नाइज करता है। सो इसका आंसर है सी, टच स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द डिवाइस थ्रू विच द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर, मीन टू से कि जो भी इंस्ट्रक्शंस और जो डाटा है आपने कंप्यूटर के अंदर देना है या भेजना है, वो कैसे भेजेंगे, सॉफ्टवेयर के थ्रू, आउटपुट डिवाइस के थ्रू, इनपुट डिवाइस के थ्रू, या मेमोरी के थ्रू। देखिए, जो भी आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो आप देते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस, तो इसका आंसर आएगा इनपुट डिवाइस। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में, कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज डैश DVU, UVD, VDU और CCTV। इसका आंसर आएगा VDU। इसकी फुल फॉर्म भी काफ़ी पूछी जाती है एग्जाम्स में, इसकी फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसका काम है डिस्प्ले करना। LCD भी, आप अगर यहाँ LCD होता LCD भी बोल सकते थे, लेकिन मॉनिटर की अगर हम बात करें तो उसमें VDU ही आएगा। काफ़ी एग्जाम्स में LCD और LED की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल्स हम लोग अपलोड करेंगे उसमें बताऊंगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग होता है सबसे पहले जो बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। अगर यहाँ पर डिसेंडिंग होता तो सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ यूनिट्स मेमरी लाइक TB, KB, GB, MB, मीन टू से इसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले इन्होंने बताया है TB, MB, GB, KB, फिर MB, GB, TB, KB, देन सॉन। इसमें देखिए, सबसे पहले जो हाईएस्ट यूनिट होती है वो होती है TB। अब देखिए, TB यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, उसके बाद होती है GB। अब देखिए, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर MB ये नहीं है, तो यहाँ पर GB आएगा, GB के बाद MB होता है, MB के बाद KB होता है। तो इसका आंसर आएगा सी, डेट वन इज TB, GB, MB और KB। TB फॉर टेराबाइट, GB फॉर गीगाबाइट, MB फॉर मेगाबाइट एंड KB फॉर किलोबाइट। ये एग्जाम्स वगैरह में भी इसकी फुल फॉर्म्स वगैरह पूछ लेते हैं, तो इसको याद रखिएगा। मेमोरी यूनिट्स होते हैं, जैसे आप नेट पैक डलवाते हैं आपको डाटा मिलता है 1.5 GB, तो ऐसे ही डाटा आपका मेयर होता है कंप्यूटर में, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज विच वन ऑफ दीज स्टोर्स मोर डाटा देन अ DVD। अब देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो CD है, CD की कैपेसिटी होती है 700 MB, DVD की कैपेसिटी होती है 4.5 GB, सॉरी 4.7 है, नॉट 4.5, 4.7 GB होती है। अब इससे भी ज़्यादा एक ऐसा डिवाइस जो स्टोरेज करता है, उस डिवाइस का नाम क्या है, तो पहला CD ROM नहीं आएगा, मैंने आपको बता दिया, इसमें 700 MB होता है। फ्लॉपी का ही पूछा जाता है, फ्लॉपी की स्टोरेज कैपेसिटी होती है 1.44 MB। देखिए, मैं बीच में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको भी थोड़ा याद रखिएगा। फ्लॉपी का भी पिछली बार आई थिंक क्वेश्चन पटवारी में पूछा गया था। सो फ्लॉपी की स्टोरेज कैपेसिटी 1.44 MB होती है। ब्लू रे डिस्क, ये इसका आंसर आएगा ब्लू रे डिस्क, ये आपकी कम से कम 150 और 200 GB की होती है। रेड रे डिस्क नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा ब्लू रे डिस्क। काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज इसकी होती है ब्लू रे डिस्क की, सो इसका आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटपुट शोन
ऑन कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड डैश। मीन टू से जैसे आपने कंप्यूटर पे कुछ वर्क किया, जैसे यही मैं आपके सामने वर्क कर रहा हूँ, आपके सामने ये मैंने डाटा अपीयर किया, डिस्प्ले किया है, ये जो डाटा है जो कंप्यूटर के मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है उसको हम क्या कहते हैं, वीडियो, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी या स्क्रीन कॉपी? तो इसका आंसर आएगा सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी जो भी आपका डाटा स्क्रीन के अंदर होता है वो होती है सॉफ्ट कॉपी। वीडियो हमने अभी किया, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। हार्ड कॉपी होती है प्रिंट आउट, और स्क्रीन की कॉपी कुछ अलग टर्म है, इसको आप रहने दीजिए। सो इसका आंसर आएगा सेवंथ का सॉफ्ट कॉपी। नेक्स्ट, ये 101% क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर मैंने कंप्यूटर के 100 एग्जाम्स ही हैं, 99 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो इसको आप इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। सो 8 बाइट्स मेकअप ऑफ डैश, यहाँ इसका क्वेश्चन और पूछा जाता है, वन बाइट इक्वल टू डैश। तो इसका जो आंसर है ये सेम ही आएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो इसका आंसर इज बाइट। मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया, 1 byte = 8 bits और 8 bits = 1 byte। इन्होंने उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ पर 8 bytes = dash, यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन मार्क कर दिया, तो हमने यहाँ पर सीधा कर लिया, 1 byte = 8 bits और 8 bits = 1 byte। ये इसका आंसर आएगा मेगाबाइट, किलोबाइट, ये काफ़ी हायर टर्म्स होती हैं, सो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन, विच वन इज द रिजल्ट ऑफ आउटपुट गिवन बाय अ कंप्यूटर। अब देखिए, जो कंप्यूटर पर आउटपुट हमें मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा नहीं, इंस्ट्रक्शंस, स्पेलिंग गलत है, नहीं इंस्ट्यूशन, नहीं एक्सक्लूशन, नहीं, तो इसका आंसर आएगा आपका इंफॉर्मेशन। सो जो भी हमें रिजल्ट आउटपुट स्क्रीन पर मिलता है उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। एक और हम आपको क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बता दूँ, डाटा होता है रो फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा। ये भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, सो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, टेंथ क्वेश्चन, द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड डैश। अब ध्यान रखिए, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आपका कोई रिजल्ट आ गया, या आपने रिज्यूमे बना लिया, सीवी बना लिया, अब उसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, वो जो आप प्रिंट आउट है विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर आप उसको प्रिंट करते हैं। सो वो जो आपकी प्रिंट आउट वाली कॉपी होती है उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी। याद रखिएगा, कॉपी कंप्यूटर के बीच में होती है, सॉफ्ट कॉपी में हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था कि जो हमारी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटर के अंदर होते हैं। हार्ड कॉपी प्रिंट आउट, हमेशा याद रखिए, जब भी टर्म प्रिंट आउट आए तो वहां पर हार्ड कॉपी होगा, पेपर यहां पर नहीं आएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेशन, विच वन ऑफ दीज इज ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी। 101% क्वेश्चन काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। सो पहले तो इन दोनों की फुल फॉर्म आती है और इसकी भी फुल फॉर्म आती है, मैं आपको साथ में फुल फॉर्म भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, दिस वन इज रैम, इसको राम मत समझिएगा, दिस वन इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो इसमें जो रीड एंड राइट मेमोरी करती है वो होती है रैम, इसको याद रखिएगा। रैम हमारी टेम्परेरी मेमोरी है और रोम हमारी परमानेंट मेमोरी है, तो इसका आंसर आएगा रैम। सो ये था हमारा आज का सेशन, हमारी फर्स्ट वीडियो थी। जरूर लाइक करिएगा, ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोज रिलेटेड टू कंप्यूटर सेशन हम नेक्स्ट फ्यूचर में लेकर आते रहेंगे। डेली का मैं एक वीडियो अपलोड किया करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर, उसको जरूर लाइक करिएगा, अपने नीडी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, सो डैट जो भी आपके एग्जाम्स वगैरह होंगे उनमें आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैल्यू।